अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद हेल्थ टीम में आपको सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर इरफान और आज मैं आपको टाइफाइड के हवाले से चंद अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान में एक वबाई शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, या अगर किसी को ये आरज़ा जो है लाहिक हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो एक ख़ास किस्म की जरासीम या बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में सलमोनेला टाइफी या सलमोनेला पैराटाइफी के नाम से जानते हैं। इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। एंटेरिक फीवर का मतलब ये है कि पेट के दर्द की वजह से बुखार होना या पेट की बीमारी की वजह से बुखार होना। नाज़रीन, जिस्म में दाखिल होने की वजह से ये बीमारी होती है। जिस्म में दाखिल होने के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये कंटामिनेटेड वाटर, जैसे कि मतलब मर्ज शुदा पानी जिसमें पहले से बैक्टीरिया मौजूद हो, या ऐसी खुराक जो कि अनहाइजेनिक हो जिसमें जरासीम मौजूद हो, तो बाज़ औक़ात हम ऐसी खुराक ले लेते हैं और ये जरासीम जो है तकरीबन 14 दिन तक हमारे पेट में रहता है और इन 14 दिनों में ये कभी भी हमारे जिस्म पर असरअंदाज हो सकता है, हमारे कुव्वत मुदाफ़त को मुतासिर कर सकता है। तो इसकी जो अलामत है उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट अलामत है वो है बुखार का होना। बुखार इसमें इस तरह ज़ाहिर होता है कि पहले बुखार कम रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगता है और बुखार रहता है उतरता चढ़ता है। इसके साथ साथ इसमें पेट का दर्द होता है। पेट का दर्द अमूमन तकरीबन पूरे जो हमारे पेट का एरिया है उसको कवर करके उसमें दर्द होता है। इसके साथ साथ भूख का ना लगना होता है, भूख नहीं लगती, भूख ख़त्म हो जाती है और मोशंस भी इसके साथ जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी रोकथाम हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने घरों में बॉयल वाटर, जिनके घर में मिनरल या डिस्पेंसर या ऐसी चीज़ें नहीं लगी है, वो पानी उबाल कर पी सकते हैं। हम खुराक जो है वो साफ़ सुथरी खुराक और हमेशा ताज़ा। और अगर ये मर्ज लाहिक हो जाए किसी को, ये अलामत आ जाए किसी में, तो फ़ौरन अपने करीबी हॉस्पिटल से हम रबता कर सकते हैं। इसकी तशखीस के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी तशखीस के चंद मराहल होते हैं। सबसे पहले तो हम जो बेसलैंड लेबॉर्ट्री के टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड का टेस्ट हो गया, उसमें हम हेमोग्लोबिन देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं और ऐसी सेल्स देखते हैं कुव्वत मुदाफ़त के हवाले से कि उन सेल्स में क्या ख़राबी या उनके बैलेंस जो है ये कम ज़्यादा तो नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ इसका जो स्पेसिफिक टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो है ब्लड कल्चर। लेकिन ब्लड कल्चर अमूमन जो है वो उसमें कुछ दिन लगते हैं, तकरीबन 7 दिनों में ब्लड कल्चर का जो रिपोर्ट हमारे पास आती है। इसके कम्प्लिकेशन या ऐसे असरात जो मतलब ख़तरनाक असरात जो है वो का इसका ये होता है कि अंथड़िया जो है उसमें सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो अंदरूनी अज़ा है और अज़ा वो मुतासिर हो सकती है, सेप्सिस हो सकते हैं। इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन, जिसमें बदन से जितनी भी जो हमारे जिस्म से नमकियात होती है और पानी की मकदार होती है वो ख़त्म हो जाती है और इंसान ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, दब जाती है, उसकी जल्द जो है काफ़ी लचकदार हो जाती है। उसके साथ साथ वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, चलने फिरने से वो रुक जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप डॉक्टर जो डॉक्टर का क्लिनिक है या है टर्शरी केयर यूनिट हो या कोई भी, अगर आप हॉस्पिटल से ज़्यादा फासले पर हैं तो अपने बच्चे को फौरन ORS पिलाएं, और अगर वो नहीं पी तो ज़बरदस्ती मतलब उनको ORS पिलाते जाए ताकि उसके जिस्म में जो पानी की मकदार है वो लेवल वो बैलेंस जो है वो कायम रहे। अगर इनकेस ऐसा नहीं होता तो ये एक जानलेवा मर्ज साबित हो सकता है और आपके बच्चे की जान जा सकती है। इसके हवाले से दूसरी और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि सेप्सिस होना। नाज़रीन, सेहत याबी में या ट्रीटमेंट के दौरानिया जो होता है अमूमन 7 दिन के लिए होता है। 7 दिन से पहले पहले जो असर जो है दिगाना दवाइयाँ शुरू कर देती है, लेकिन जो सही असर होता है, बच्चा सेहत याब होता है, वो तकरीबन 7 दिन लग जाते हैं। कभी कभी मरीज़ आ जाते हैं, उनके अटेंडेंट आ जाते हैं और उसके साथ साथ उनके घर वालों को ये फिक्र लाहक होती है कि हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये नोट करें कि जो ये टाइफाइड की बीमारी है इसमें कम से कम जो है वो 4 से 5 या मतलब इसे बढ़कर 7 दिन तक लग सकते हैं। तो इसमें जो है आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये नोट करें कि जो ये टाइफाइड की बीमारी है इसमें कम से कम जो है वो 4 से 5 या मतलब इसे बढ़कर 7 दिन तक लग सकते हैं। तो इसमें जो है आप एक बेहतरीन जो तरीका स्टॉप इसमें आप जो है अपनी तरफ से या टोटके वगैरह जो होते हैं या कोई हकीम वगैरह होते हैं या इस तरह के जो घरेलू वो ना करें तो बेहतर है, और अपने डॉक्टर या करीबी जो भी हॉस्पिटल हो उनसे रابطہ करें और डॉक्टर के अहकामात को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आपका बच्चा सेहतयाब होगा। बहुत शुक्रिया, और खालिद हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। अल्लाह।